हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम नमकीन सेवई बनाएंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। अब हम सेवई को कढ़ाई में डाल देंगे। हम कलछे की मदद से सेवई को तोड़ लेंगे। हम इसे थोड़ा भून लेंगे। अगर आपको चलाने में दिक्कत हो रही हो तो आप एक और चम्मच लेकर इसे अच्छे से भून सकते हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए, सेवई गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे और सेवई को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेवई अब भुन चुकी है। अब हम आलू को तल लेंगे। उसके लिए इसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। हमने पहले ही आलू को महीन काट लिया था। अब हम आलू को इसमें डाल देंगे और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे, हम इसे ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए, आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आलू तो भुन चुके हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है। अगर आपको लगे कि घी ज्यादा कम है तो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा घी डाल सकते हैं। अब हम उसी घी में 1 चम्मच जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 महीन कटा हुआ अदरक, 2 बड़े कटे हुए प्याज डालकर भून लेंगे। ध्यान रहे, हम प्याज को लंबा काटेंगे। देखिए, प्याज हल्के भून चुके हैं। ध्यान रहे, हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, इसे हल्का सा ही पकाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला लेंगे।
टमाटर को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें हम सेवई को डाल देंगे। और अच्छी तरीके से सारी सामग्रियों को मिला लेंगे। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। और मिला लेंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हम 2 मिनट बाद एक बार चला लेंगे। हम इसे फिर से ढककर रख देंगे। हम इसे तब तक ढककर रखेंगे जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको एक बार खोलकर देख लेते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालकर मिला लेंगे। अब हम ऊपर से कुछ धनिया की पत्ती डालकर मिला लेंगे। नमकीन सेवई बन चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे सेव नमकीन के साथ गार्निश कर लेंगे। नमकीन सेवई बनकर तैयार है। आप इसे नाश्ते में जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।